हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तिल खाने के फ़ायदे के विषय में। किस प्रकार से तिल खाने से आपके जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, साटिका के दर्द और शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो या खून की कमी हो, शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो, शरीर में यदि खून की मात्रा कम है या फिर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, ताकत नहीं लगता, शरीर में एनर्जी नहीं रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, दोस्तों इसको खाने से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह काम करता है और शरीर के सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करने में सहायक औषधि है। दोस्तों, सफ़ेद तिल और काला तिल आपको दोस्तों जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में अधिक से अधिक खाना चाहिए, गुड़ के साथ। इस प्रकार से जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं उस तरह से बनाकर खाने से आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, विटामिन ए, बी, फास्फोरस सभी प्रचुर मात्रा में हो जाएंगे और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी, जिससे सर्दी, जुखाम, खांसी, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द ये सब दूर करने में बहुत ही सहायक औषधि होगी। दोस्तों तिल खाने से हमारे शरीर की हड्डियां बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनती हैं, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर और घुटनों के लिए, शरीर के हर जोड़, हर हड्डी के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। दोस्तों, यह इसमें तेल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। दोस्तों, यह शरीर के स्किन की झुर्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद औषधि है। दोस्तों, इसका तेल यदि शरीर पर मालिश किया जाए तो दर्द से राहत मिलती है। सर्दियों में तिल या सफ़ेद तिल या काला तिल खाने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, इसको खाने से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। यदि किसी का मोटापा बढ़ गया है तो सर्दियों में 3 महीने आपको जितने दिन सर्दी होते हैं, दिसंबर से लगाए फरवरी तक, आप 1 चम्मच नियमित रूप से तिल का, काले तिल का सेवन करेंगे तो आपका वजन नियंत्रित होगा। दोस्तों, के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, दिल की बीमारियों को काफ़ी दूर रखता है, यानी हार्ट की बीमारियों, हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह में बहुत ही फायदेमंद औषधि मानी गई है। दोस्तों, अंग्रेजी में इसको सीसम इंडिकम नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक खास प्रक्रिया द्वारा इसको बना करके दिखाएंगे किस तरह से और कौन सी औषधि और इसमें डालने से इसकी ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आगे तक बने रहें, दिखाते हैं आपको, इसमें एक और औषधि डाल देंगे तो आपके लिए यह रामबाण की तरह काम करेगी। आपके घुटनों का दर्द, इम्यून सिस्टम, जोड़ों का दर्द, पेट में गैस बनना, खट्टी ढगारे आना, पाचन क्रिया सही ना होना, ये सभी समस्याएं आपकी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। इसको खाने से दोस्तों मधुमेह, शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों, इसको इस तरह से उबलते में इसमें 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देने से आपके शरीर में जितने भी बीमारियां हैं सब पर असर करती है और आपके शरीर के सभी प्रकार के दर्द, गैस, अपच, खट्टी ढकार आना या पेट के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए यह रामबाण औषधि बन के तैयार हो रही है। दोस्तों, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा और इसका सेवन करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, सौंठ के बारे में आप सभी को पता है सौंठ हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तिल में एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट हृदय की सुरक्षा और ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को रोकता है, यानी शरीर में कहीं भी गांठे बनने से इसको रोकता है। इसमें बहुत ही फायदेमंद तो पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। दोस्तों, तिल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर,
एंटीजिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक गुण बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। यह हमारे श्वसन प्रणाली यानी सांस की समस्या, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है दोस्तों। ये ब्रोंकियल अस्थमा, गले की सूजन या शरीर के हर प्रकार की सूजन को कम करने की गुण पाई जाती है। जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं शरीर की हर प्रकार की सूजन को दूर करने में बहुत ही सहायक औषधि मानी जाती है दोस्तों। या घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन को बहुत ही जल्दी कम करती है। यह बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर।